ভগবান মহাবীর জয়ন্তীকে সামনে রেখে শিলিগুড়িতে জৈন সমাজের অনুষ্ঠান। জৈন ধর্মের প্রভাবশালী প্রচারক ভগবান মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষে 3 এপ্রিল সোমবার সকালে শিলিগুড়িতে বিরাট শোভাযাত্রা বের করবে জৈন সমাজ। তাছাড়াও সেদিন শিলিগুড়ি এসএফ রোডের সোমানি মিল চত্বরে ভগবান মহাবীরের দর্শনীয় আলোচনা হবে। মহাবীরের আসল নাম ছিল বর্ধমান। তিনি মাত্র 30 বছর বয়সে সিংহাসন ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং আধ্যাত্মিকতার পথে হাঁটেন। তিনি সুপ্রাচীন জৈন ধর্মকে পুনরুজ্জীবন করেছিলেন। সত্য পথে চলা, সৎ কথা বলা, অহিংস নীতি অবলম্বন করা, চুরি না করা, বিষয় সম্পত্তির প্রতি অনুরক্ত না হয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করা প্রভৃতি দর্শন নিয়ে তিনি মানব সমাজকে আলোর দর্শন দিয়ে গিয়েছেন। 12 বছর ধরে কঠোর তপস্যা করে তিনি ইন্দ্রিয় জয় করেছিলেন। নির্ভীক পথে চলা, সহনশীল হওয়া এবং অহিংস নীতি প্রচার করায় তার নাম হয়েছিল মহাবীর। বর্তমান পৃথিবীতে হিংসা বাড়তে থাকায় মহাবীরের দেখানো পথ যে কতটা জরুরি তার বলার অপেক্ষা রাখে না। শনিবার শিলিগুড়ি এসএফ রোডের সোমানি মিল চত্বরে তেরাপান্থ ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে মহাবীর জয়ন্তী সমারোহে সমিতির তরফে ডক্টর পঙ্কজ জৈন জানান, তারা জৈন সমাজের তরফে 3 এপ্রিল শোভাযাত্রার পাশাপাশি ভগবান মহাবীরের দর্শনগুলো সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন। विराजित हमारे जैन समाज के आचार्य महाश्यामण जी की विषय विदुषी शिष्य समणी जी भाविक प्रज्ञा जी, समणी जी संघ प्रज्ञा जी, समणी जी मुकुल प्रज्ञा जी का मैं अंदामी नमक्ष होने के साथ अभिवादन करता हूँ। और आप सभी आए पत्रकारों का भी मैं पूरे भगवान महावीर जन्म जयंती समिति की तरफ से आपका सभी का अभिवादन करता हूँ। जैन समाज के लिए बहुत ही गर्व का विषय कि भगवान महावीर का जन्म जयंती कल्याण महोत्सव सोमवार को हम 3 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष में पूरे विश्व में हम मना रहे हैं। आप लोगों को इस क्रम में सभी को बुलाया है, मैं पुनः आपका अभिवादन करता हूँ। और मैं निवेदन करता हूँ हमारे भगवान महावीर जयंती समारोह के अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर पंकज जैन से कि आप अपने 2 शब्द रखें। डॉक्टर श्रीमान पंकज जी, जैन समाज की तरफ से सभी प्रभारी हमारे हार्दिक आभार और समस्त मीडिया कर्मी को बहुत बहुत साधुवाद कि आप इस महावीर जयंती के उपलक्ष्य पर हमारे सिलीगुड़ी समग्र समाज द्वारा किए गए कार्यक्रमों को आप पूरे सिलीगुड़ी में अवगत कराएंगे। उससे पहले मैं अब चाहता हूँ कि पहले समनी जी कुछ 2-4 शब्द भगवान महावीर के बारे में आपको पहले बताएं, उसके बाद मैं सिलीगुड़ी में क्या कार्यक्रम होने वाला है उसके बारे में आपको अवगत कराऊंगा। पहले समनी जी की कुछ उपस्थित 3 अप्रैल मंडे को भगवान महावीर की जन्म जयंती पूरे विश्व भर में मनाई जा रही है। भगवान महावीर ने अकाल प्रेम का संदेश देकर के जन जन का परिताप मिटाया और मानव को तनाव मुक्त किया। अकाल प्रेम इसका मतलब अहिंसा, अपरिग्रह और अनेका, ये ऐसे प्रिंसिपल है। अगर मानव इसे अच्छे से समझ ले और जीवन में उतार ले तो अपना वर्तमान जीवन और भविष्य ब्राइट, वाइट और क्वाइट बना सकता है। मेरा विश्वास है इन सिद्धांतों को अपना करके मानव सुखमय, शांतिमय और आनंदमय जीवन जी सकता है। मेरा आपसे, आप सबसे अनुरोध है, सकल जैन समाज इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित होकर के भगवान महावीर की अभ्यर्थना करें। अंत में भगवान महावीर के प्रति सुप्त जगत को जागृत करने लिया दिव्य अवतार और अहिंसा तत्व बताने तन पर झेली कष्ट अपार, रत्न त्रय की दिव्य छटा से किया जीवन श्रृंगार, इसीलिए वीर प्रभु की विश्व करना जय जयकार, विश्व करना जय जयकार। ओम अरहम। 2023 सोमवार के दिन समग्र जैन समाज की समाज एक साथ भगवान महावीर जन कल्याणक
समारोह पर उत्साह बनाए हैं। ये भगवान महावीर का 2622वां जन्म कल्याणक है और इसमें हमारे समग्र जैन समाज, दिगंबर समाज, श्वेतांबर समाज, मंदिर मार्गी समाज, पार्श्वनाथ जैन संघ के समाज सभी लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म में आकर भगवान महावीर की भव्य तरीके से जन कल्याणक बनाए हैं। इसमें सर्वप्रथम सुबह 6 बजे मंदिर जी के अंदर में भगवान की पूजन होगी, कलशों का अभिषेक होगा। उसके बाद 7 बजे यहाँ पर एक ध्वजारोहण होगी। 7:15 बजे मांगलिक पाठ होगा, जिसमें अभिश्रमणी जी जो थी उनका एक मांगलिक पाठ होगा। 7:30 बजे शहर में एक भव्य रैली निकलेगी। रैली यहाँ से शुरुआत होते हुए वेनस मोड़ के थाना मोड़ के होकर फ्लाई ओवर जाकर वापस सेवक रोड, बिलकार रोड होते हुए सेवक मोड़ होकर पानी टंकी मोड़ होकर विधान रोड होकर वापस उसका समापन यहाँ पर होगा। रैली में कई तरह की झांकियाँ रहेंगी, जिसमें भगवान महावीर के संदेश को जन जन तक पहुँचाया जाएगा। कुछ छोटे बच्चे, हमारे ज्ञानशाला के बच्चे होते हैं, उनकी लाइव झांकियाँ रहेगी। वो भगवान महावीर का जन्म और भगवान महावीर की कैसे पालना और कैसे आहार होती थी उसके बारे में। जैसा आप सबको मालूम है, भगवान महावीर ने मतलब जियो और जीने दो का संदेश जन जन तक पहुँचाया। महावीर का मतलब है मैं मतलब महान बनो, है मतलब हिम्मत मत हारो, वह मतलब वचन को निभाओ और रह मतलब रहम मत, रहम मतलब कि जियो और जीने दो का संदेश आप जन जन तक पहुँचाए। अगर किसी भी प्राणी को अगर संसार में कैसे जीना है उसका सीखना है तो भगवान श्री कृष्ण से सीखे, और कैसे किसी व्यक्ति को परिवार में जीना है उसके बारे में भगवान महावीर से सीखे। मोक्ष और शांति और अहिंसा के साथ आप कैसे प्राप्ति कर सकते हैं उसका संदेश हम उस दिन महावीर जयंती के दिन 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 तक लोगों तक पहुँचाएंगे। और इस बीच दिन का इस कार्यक्रम के बाद वापस शाम दोपहर में यहाँ पर हमारे श्रमणी जी का मांगल प्रवचन होगा। कुछ महिला मंडल द्वारा एक नृत्य एक गीतिका और एक नाटक होगी। शाम को हमारे पास एक शाम भगवान महावीर के नाम बुंदेलखंड टीकमगढ़ से एक बहुत ही मतलब सम्राट गीतकार रूपेश जैन आ रहे हैं, जिनका कार्यक्रम 2 घंटा रहेगा। राष्ट्रीय पुरस्कार से उनको सम्मानित को चलकर जैन के बारे में उन्होंने पूरे असंख्य हजारों गाने गाए हैं और उनके एक शाम महावीर के नाम पर वो सबको यहाँ पर मंत्रमुग्ध करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि पूरे इस कार्यक्रम का कवरेज करें और महावीर का संदेश आप मीडिया के थ्रू पूरे सिलीगुड़ी और पूरे नॉर्थ बंगाल तक पहुँचाएं।